हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने प्रीवियस क्लास में देखा था अच्छे से। मैंने आप सभी लोगों को इनके रूट्स निकालना बहुत अच्छे से सिखाया था। वन बाय वन मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें नहीं करना है क्योंकि वही सेम एग्जाम्पल की प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन नंबर थ्री से आज के इस सवाल को स्टार्ट करेंगे, इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में जिसका भी कोई डाउट है वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो वो यहाँ पर बता सकते हैं। और हाँ, सभी लोग लाइक जरूर करके जाया करें जो भी सेशन को देखता है। और अगर समझ में आता है तो सभी से शेयर कर दीजिए जो भी आपके दोस्त आपके फ्रेंड्स क्लास 10th में है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री से आज की हमारी क्लास को। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, ध्यान से सभी लोग समझिएगा सवालों को। ठीक है, सवाल हमारा क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनका सम हमें दे रखा है 27 और उनका प्रोडक्ट है 182। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर थ्री को मैं निकालता हूं लेट। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर x मान लेता हूं। तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 27 है और अगर एक नंबर 27 है तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 है। आगे दे रखा है दोनों का प्रोडक्ट, देखिए यहां पर दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है तो मैं यहां पर दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूं। 27 माइनस एक्स बराबर हमारे पास 182। जो कंडीशन हमें दी गई थी वो हमें यूज करनी है, दो वेरिएबल यूज यहां पर नहीं करने हैं। अगर ये हमारा पिछली एक्सरसाइज का सवाल होता तो मैं एक्स एंड वाई का यूज यहां पर कर सकता था, बट यहां पर हम एक ही वेरिएबल का यूज करेंगे। यहां से हमारे पास होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। हम कर सकते हैं सारों को उस साइड में लेके जाएंगे, रीअरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर में, इसको उस साइड में लेकर जा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा 27x माइनस 182 बराबर सॉरी प्लस 182 बराबर 0 आ जाएगा। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया था। स्टेप फर्स्ट हमारी क्या होती है, जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आंसर निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू में 182 हमारा आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। अब हमारी स्टेप नंबर सेकंड होती थी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, इसको ब्रेक करना है दो में, दो पार्ट्स में हमें ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर 182 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 27 आ जाए। अब यहां से हम करेंगे 182 की हम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए फैक्टर निकालना किसी को नहीं आता है ना, तो ऐसे निकाल सकते हैं, पेयर आराम से बन जाएगा। 2 9 18, 2 1 2, 3 से अगर मैं इसको नहीं आएगा ये 13। ठीक है, 7 टाइम चला जाएगा 13 बार और 13 हमारा 1। अब यहां से मैं आराम से निकाल सकता हूं, कैसे, 7 2 14 और 13, मैं दो पेयर कैसे ले सकता हूं, माइनस 14 और माइनस का 13 ले सकता हूं। यहां से बहुत आराम से पेयर सभी लोग बना सकते हैं। अब मैं कैसे लिख लूंगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 यहां से हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रीअरेंज आप लोग यहां से कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 यहां से कर सकते हैं। यहां से x कॉमन लेंगे x माइनस 13 आएगा, यहां से माइनस 14 लेंगे x माइनस 13 यहां से आ जाएगा, आगे हमारा आएगा x माइनस 13 एंड x माइनस 14। ये दो फैक्टर मेरे पास आ गए, यहां से मेरा आंसर निकल के आएगा, देखिए 0 रख लूंगा बराबर में 13 मेरे पास आ गया और एक हमारे पास आएगा 0 और x बराबर 14 मेरे पास आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, एक नंबर अगर मेरा नंबर 13 है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर हमारा 13 है तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, 14 होगा, सिंपल सी बात है, दोनों नंबर मेरे यहां से निकल गए और पहला नंबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर 13 होगा। तो x की वैल्यू यहां रख दीजिए, दोनों नंबर मिल जाएंगे। अगर x की वैल्यू 13 रखोगे तो ये 14 मिलेगा, ये 14 रखोगे तो ये 13 मिलेगा, सिंपल सी बात है, आराम से सवालों को कर सकते हो। उम्मीद करूंगा ये सवाल सभी लोगों ने समझा होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम यहां पर इस क्लास में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर हमें क्या बोल रखा है, ध्यान से एक एक सवाल समझिएगा। फाइंड टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। तो मान लेता हूं कंसिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 3 4 5, ये कंसिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं अगर एक नंबर मेरा पास एक्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा, कंसिक्यूटिव एक्स प्लस 1 होगा, सिंपल सी बात है, उसमें एक ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स यानी कि इनके स्क्वायर्स का सम कितना दे रखा है, 365। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। ये a प्लस बी का स्क्वायर है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। यहां से हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। इस इक्वेशन को सभी बच्चों को सॉल्व करना है। हमें स्टेप नंबर वन हमारी क्या होती है, यहां से 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में माइनस 364 कर लीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर,
दो चौके 8, दो छक्के 12, दो तीन 7, -728 एक्स स्क्वायर चाहिए। अब इसमें भी पेयर निकालना मैं बता देता हूं यहां से, इसका आप क्या कर लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए सारे। दो तीन 6 मेरे पास हो जाएगा, दो छक्के 12 हो जाएगा, दो चौके 8, यहां से फिर कर लीजिए, दो एकम दो, दो अंटू 16, दो दूनी 4, फिर से कर लीजिए 90 बनाएगा, फिर से कर लीजिए हमारा 13, 7 बार आएगा। अब देखो पेयर बनाना है हमें, किस में ब्रेक करना है, 2 को ब्रेक करना है। ध्यान से देखिए, 13 दुनी 26 में ले सकता हूं, 7 दुनी 14, 14 दुनी 28 हो गया पेयर, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में मैं यहां से लिख सकता हूं 28, यानी कि 13 दुनी 26 और 28, 28x -26x -364 बराबर 0। आंसर यहां से 2x कॉमन लोगे तो x प्लस 14 आएगा, यहां से क्या लोगे प्लस का सॉरी माइनस का 26 लोगे तो x प्लस 14 आएगा हमारे पास 0। तो ये मेरे पास आएगा 2x -26 एंड x प्लस में 14 बराबर 0। यहां से दो वैल्यूज निकल कर आएंगी, 2x -26 बराबर 0, 2x बराबर 26, तो x बराबर 13 मेरे पास आएगा और x बराबर -14। तो ये तो मैं ले नहीं सकता, माइनस का नंबर है, नंबर माइनस में नहीं होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से ये। तो एक नंबर 13 आएगा, एक नंबर 13 प्लस एक 14, तो आंसर होगा 13 एंड 14। तो ये हमारे दो आंसर हो गए इस सवाल के। तो उम्मीद करूंगा सभी लोगों को समझ में आए होंगे दोनों सवाल, ठीक है। तो ये दोनों सवाल हमने यहां से कर लिए हैं, उम्मीद मैं यही करूंगा दोनों सवाल आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी का अगर कोई डाउट है तो वो यहाँ पर बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ 7:30 सेम टाइम। लेकिन यहाँ पर इस सवाल को जरूर एक बार आप एज ए होमवर्क में ट्राई करिएगा, कमेंट करके आंसर बताइएगा अगर कोई इस सवाल को कर पाता है क्रैक, ठीक है। और शेयर सभी अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड से कर दीजिए, जो भी क्लास 10th में इस बार है सबसे शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग इस सवाल को सीख सकें और आगे हमारे बढ़ सके, ठीक है। जय हिंद।